बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे इज़ अवर इंग्लिश असेसमेंट फॉर द क्लास 5। इंस्ट्रक्शंस आर हेयर। अटेम्प्ट ऑल द पेपर ऑन योर लूज शीट्स। आपने अपना पूरा पेपर लूज शीट्स के ऊपर अटेम्प्ट करना है। ऑन शीट्स राइट योर नेम, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट एंड कैंपस। अब आपने शीट्स के ऊपर सबसे पहले अपना नाम लिखना है, अपनी क्लास मेंशन करनी है, अपना सेक्शन लिखना है और सब्जेक्ट जिसका आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो वो लिखना है, और कैंपस लिखना है। अगर आप पेशावर रोड में पढ़ रहे हो तो पेशावर रोड कैंपस लिखेंगे, और अगर आप ब्रिटिश होम्स कैंपस में हैं तो आप ब्रिटिश होम्स कैंपस मेंशन करेंगे, और ये लाजमी करेंगे। ओके, नाउ अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। हर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। यूज़ ब्लैक पेन फॉर द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के लिए आप ब्लैक पेन का इस्तेमाल करेंगे, एंड ब्लू फॉर द आंसर्स, और ब्लू आपने आंसर्स के लिए इस्तेमाल करना है। कटिंग ओवर राइटिंग इज़ नॉट अलाउड, नो। नाउ अब हमारे पास पेपर है यहाँ पे, जिसको हम बारी बारी इसमें एक्सप्लेन कर लेते हैं। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अंडरलाइन द पास्ट टेंस वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। इसमें इस जो आपके पास सेंटेंसेज आए हुए हैं इसमें आपने पास्ट टेंस वर्ब को अंडरलाइन करना है। नंबर वन, दे वर फाइंडिंग द सम्स डिफ़िकल्ट। इसमें आपके पास मतलब कि पास्ट टेंस वर्ब में कौन सी चीज़ आ रही है कि वो अपने सवालात मुश्किल से ढूंढ रहा था। द ओल्ड मैन लिव्ड इन अ बिग बैंगलो। बूढ़ा आदमी बड़े बैंगलो में रहता था। बिफोर ही मूव टू द न्यू फ्लैट, न्यू फ्लैट में जाने से पहले। द सेलर हैड बीन सेलिंग फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। मल्लाह जो कश्ती चलाने वाला होता है, कश्ती चलाने वाला तकरीबन एक मंथ से कश्ती चला रहा था। अब इसमें जो पास्ट टेंस वर्ब हैं वो आपने अंडरलाइन करने हैं। स्टेटमेंट आप पहले ब्लैक से लिख लें, और इसका जो राइट आंसर्स हैं वो आप लोगों ने अंडरलाइन भी करने हैं ब्लू के साथ, या फिर इसको री राइट कर लें और या इसको अंडरलाइन वर्ड्स में, ठीक है। योर सेकेंड क्वेश्चन इज कॉपी दी सेंटेंसेज इन योर नोटबुक्स। कंप्लीट ई सेंटेंस विद एन आई एन जी वर्ब विद इन अ पास्ट टेंस। अब इसमें आपने पास्ट टेंस में जो वर्ब आई एन जी का इस्तेमाल है उसको कंप्लीट करते हुए अपना सेंटेंस कंप्लीट करना है। इट वॉज़ वेरी लेट, बहुत लेट हो गया था। टीसा पेरेंट्स डैश वरी अबाउट हर। अब इसमें आपके पास वर्ड बैंक वरी लिखा हुआ है कि उस टीसा के पेरेंट्स उसके लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थे। तो अब आपने इसमें वर्ब आई एन जी का इस्तेमाल करना है पास्ट टेंस को इस्तेमाल करते हुए। द क्राउड हजूम, आगे शाउट इसमें डैश में आपके पास अगेन वर्ड बैंक दिया हुआ है। स्लोगन्स अगेंस्ट द राइजिंग प्राइसेस ऑफ ग्रेन्स, नारे लगा रहे थे किसके खिलाफ, गंदम की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपी द फॉलोइंग सेंटेंसेज अगेन। ये आपके नोटबुक के लिए क्वेश्चन है। कंप्लीट देन बाय एडिंग ई डी ई आर और आई एन जी टू द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट्स में आपके पास कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, लेट्स सपोज जैसे कुक, कूल एंड रॉब। इसमें अब आपने लव्स को किस तरह से कंप्लीट करना है, क्या चीज़ लगाकर, ई डी ई आर और आई एन जी, ठीक है। माई मदर इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ डैश। अब इसमें उन्होंने वर्ड बैंक दिया हुआ है कुक, कि मेरी मदर कुक, मतलब कि अब आपको बोलते ही भी समझ में आ रही होगी कि किस चीज़ की शौकीन है। द रूम इज़ डैश देन दैट वन, ये कमरा दूसरे कमरे से ज़्यादा ठंडा है। अब इसमें कौन सा मतलब कि आप एडिंग लगाएंगे वो देख लें। रॉबिन हुड ऑलवेज डैश द रिच, रॉबिन हुड जो है ऑलवेज क्या करता था, हमेशा अमीरों को लूटता था, ठीक है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉपी द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन योर नोटबुक। कंप्लीट देन बाय एडिंग अ सुटेबल सफिक्सेस टू द वर्ड गिवन बाय द ब्रैकेट्स सो दैट द सेंटेंसेज बिकम मीनिंगफुल। अब आप इसमें सुटेबल सफिक्सेस लगाने हैं, एंड सफिक्सेस आर एडेड बिफोर द रूट वर्ड, ठीक है, कि सफिक्स जो होता है आपका एड किया जाता है रूट वर्ड के बाद में, ठीक है। जैसे कि द पुअर डॉग बिकेम अ विक्टिम ऑफ हिज मास्टर्स, डैश क्रूअल लिखा हुआ है कि वो कह रहे हैं कि बेचारा कुत्ता जो है वो क्या है, अपने मास्टर्स की जुल्म का शिकार बन गया। शी लुक डैश इन द पिंक ड्रेस, वो बहुत अच्छी लगती है
किस ड्रेस में, पिंक ड्रेस में, आगे ब्यूटी लिखा हुआ है, तो अब आपने इसको कंप्लीट करना है बाय एडिंग सूटेबल सफिक्सेस. नाउ योर आंसर दीज क्वेश्चंस. व्हाई डू यू थिंक, आपका क्या ख्याल है, द फैमिली स्लेप्ट आउटसाइड फॉर अ वीक, एक हफ्ते से फैमिली जो है खानदान बाहर क्यों सो रहा था. व्हाई वर सो मैनी पीपल किल्ड इन द पोर्ट, पोर्ट में, बंदरगाह में आपके बहुत सारे लोग क्यों मारे गए थे. ठीक है, ये अब आपका जो चैप्टर्स के अंदर से कुछ ना कुछ इसमें आया हुआ है, सो आपने इसको अटेम्प्ट करना है. राइट द लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम हर अबाउट व्हाट यू डिड ड्यूरिंग योर हॉलीडेज. अब आपने अपनी फ्रेंड्स को लेटर लिखना है और उनको बताना है कि आपके हॉलीडेज जो है कब, मतलब कि आपने हॉलीडेज के अंदर क्या क्या काम किया. ठीक है, और उसको आपने लेटर के तौर पे लिखना है. और ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें आपके 4 मार्क्स तो आपके बॉडी से पहले जो आपके बिफोर एंड बिगनिंग एंड द एंडिंग जो होती है आपकी, स्टार्ट एंड एंड, ठीक है, उसके मेंशन होंगे. सो बी केयरफुल अब टू अटेम्प्ट द लेटर. योर क्वेश्चन 7 इज राइट अ स्टोरी ऑन हेस्ट मेक वेस्ट. अब इसमें आपने एक स्टोरी भी लिखनी है जो कि 5 मार्क्स की है, कि जिसमें है कि जल्दबाजी हमेशा नुकसान का सबब बनती है. नाउ बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स. अब आपके लिए अगेन इंस्ट्रक्शंस मैं दोबारा रिकॉल कर देती हूँ, ताकि आप उसमें गलती की गुंजाइश ना करें. कि अब आपने करना है कि सबसे पहले अपनी लूज शीट्स लेनी है, उनको मार्जिन लाइंस लगा लें, और उसके बाद सबसे पहले एक पोर्शन बनाएं जिसमें अपना नाम लिखें, अपना सेक्शन लिखें, अपनी क्लास लिखें, और इसके साथ साथ अपने जो कैंपस है आपका, आपका सब्जेक्ट जो है वो आपने मेंशन करना है. कैंपस लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो पेपर्स हैं उसी पे ही हम आपको रिटर्न कर पाएंगे. ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स फॉर द पेपर्स, और अच्छी सी तैयारी करके अच्छे से हमें पेपर्स सबमिट करवाएं. ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.